सारा को खोने का जख्म ना हमारे दिल में नासूर बन गया है, और ये तब तक रहेगा जब तक शहबाज अहमद को उसकी किए की सजा नहीं मिलेगी। आज सुबह काजी काजी साहब ने ख्वाब देखा था कि हमारी जारा की रूह बेचैन है। बेचैन है उसकी रूह। जाइए जाइए, उसकी रूह को सुकून पहुंचाइए। उनके पास हमें अपनी शक्ल दिखाइएगा, वरना आइएगा नहीं हमारे सामने। चले जाइए यहां से। आपको भी जान को अंदर ले जाके आराम करवाइए, हम पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। चलिए बेगम। काजी साहब, एक बात करनी थी आपसे। बात करनी थी या अपने वालिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से हमें रोकना था कबीर मियां? हम शरीफ जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं हैं। अपनी बेगम को देख करके हम गम खा करके चुप जरूर बैठ गए हैं, मगर हमारी नरमी को हमारी बुजदिली मत समझिएगा कबीर मियां, बुजदिली मत समझिएगा। काजी इरफान सिद्दीकी नाम है हमारा, और मुजाहिदों के खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं। खुदा कसम, अगर इस वक्त आपके अब्बू हमारे सामने होते ना, तो हम उनका खून कर देते। जब जारा की मौत हुई थी ना कबीर मियां, तो हम उसे एक हादसा समझकर अल्लाह की मर्जी मान बैठे थे और सब्र कर लिया था, मगर अब नहीं। हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, और इस मुल्क के कानून पर हमें पूरा भरोसा है, वो हमारी बेटी सारा को इंसाफ जरूर दिलाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि सारा को इंसाफ मिले। काजी साहब, हमारा और जो जारा का रिश्ता है वो इस दुनिया में नहीं बना था, किसी और दुनिया का रिश्ता है। उस पाक रिश्ते का वास्ता, हमें जारा को इंसाफ दिलाने दीजिए। बेटी के निकाह के बाद उसके जो फराइज होते वो उसके बाप के नहीं शौहर के हो जाते ना, तो हमें अपना फर्ज निभाने दीजिए काजी साहब। अगर फर्ज निभाना है तो चलिए हमारे साथ पुलिस थाने और चलकर अपने वालिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए। चलेंगे, जरूर कराएंगे, सिर्फ एक रात का मौका चाहिए हमें। जिसकी बीवी का कत्ल होता है और उसे कातिल का पता चल जाता है, वो मौका नहीं तलाशता कबीर मियां, रात का इंतजार नहीं करता। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आप मौका तलाश रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिद को बचाना चाहते हैं? इस्तखारा इस्तखारा। इस्तखारा मतलब? इस्तखारा मतलब
सलातुल हाजत की नमाज पढ़ना, जिसमें खुदा खुद ब खुद रास्ता दिखाता है कि उसे करना क्या है। कबीर मियां समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है, अपने अब्बू को सजा दिलानी है या नहीं। काजी साहब, हम इस्तखारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे वालिद को कानून के हवाले करना है या उसके सीने में खुद जाकर हमें गोली मारनी। काजी साहब, हम जारा की कसम खाते कि आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये हमें देखना है और वो अल्लाह ताला हमें बताएंगे। वकील साहब, आप आज तक कोई केस नहीं हारे हैं, हमारा केस ले लीजिए, जितने पैसे चाहेंगे मिल जाएंगे। हर काम पैसों के लिए नहीं होता नेताजी, हम तो जज की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। हमारी इतनी सी तमन्ना पूरी कर दीजिए, हम आपके सर से इल्जाम का हर दाग मिटा देंगे। बहुत खूब, आपका दावा दिलचस्प है और काबिले गौर है। ठीक है, शुक्रिया। अब्बू, हम कब से कबीर को फोन कर रहे हैं, हमने उस दारा को भी फोन किया था लेकिन दोनों का फोन लगातार बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। कबीर पुलिस लेकर आ, पुलिस लेकर आ गए। हेलो, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। पुलिस आई जरूर है लेकिन हमें गिरफ्तार करने नहीं, हमारी हिफाजत के लिए। मौत के फरिश्ते जब आते हैं ना, दुनियावी हिफाजत के घेरे टूट जाते हैं। आज ये पुलिस आपकी हिफाजत करने आई है, कल हो सकता है जारा के कत्ल के जुर्म में आपके इन्हीं हाथों पर हथकड़ियां बनाएं। सबको बताना चाहते कि आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इस्तखारा करने वाले हम। हम भी तो देखें कि हमारे वालिद को कानून के हवाले करना है या हमारे वालिद के सीने में हमें गोली मारनी है।
कहाँ जा रही हो लड़की? हमारे शोहर के आसपास ऐसे मंडराते क्यों रहती हो साई की तरह हमेशा? हाँ, हो कौन तुम? रुक सर, क्या करिए, छोड़ो मैं। इस घर की तुम नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो, समझी? हमारे घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सार धक्का हम भी मार सकते हैं, और जब हम मारेंगे ना सीधा घर के बाहर जाके गिरोगी तुम। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं रुखसार, क्योंकि हमारी फितरत ऐसी है ही नहीं। क्योंकि अगर कीचड़ में पत्थर मारो ना तो छींटे खुद पर आके ही पड़ते हैं। बस करो तुम दोनों, क्या हो गया तुम्हें सारा? अपू पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, कत्ती जैसे संगीन जुर्म का उन पर इल्जाम लग रहा है, और तुम हो कि रुखसार से उलझे जा रही हो। भाभी, उन पर किसी चीज का इल्जाम लगाया नहीं जा रहा है, उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। पर उलझ हम नहीं रहे, रुखसार हमसे उलझ रही है, और बेहतर यही होगा कि हमें और ना उकसाए, नहीं तो हम इसकी सारी उलझन ही सुलझा देंगे। सारा, बेहतर होगा कि आप इन्हें समझा दीजिएगा। जो हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, पहले एक बार कबीर को रोक लेते हैं, उसके बाद हम इस लड़की का मुंह और इसके तेवर दोनों तोड़ देंगे। बच्चों, दोनों। कह दिए कि अगर वो हमें फिर से पैदा करना चाहे तो हमें तुम्हारे ही साथ नसीब हो। हमने सारा को अपने लिए नहीं मारा, तुम्हारे सर से इश्क का भूत उतारने के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ा कबीर। हम करते नियत दो रकात नमाज सलातुल हाजत की, ऐ अल्लाह ताला आप रहम वाले, हम पे अपना रहम अता फरमा, और सही और गलत के बीच की फर्क करने की कुव्वत अता फरमा। या खुदा या मेरे मौला, आप हमारे सब कुछ है, आप ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, सब कुछ आपके हाथों में, हमें यकीन है कि इश्तिखारे के बाद हमें आपका इशारा मिल जाएगा। जारा के कातिल के साथ हमें क्या सुलूक करना है ये आप हमें बता दीजिए। बेगैरत,
अब्बू के साथ जारा के कत्ल में तुम भी शामिल थी? शर्म करो, अब्बू के साथ मिलकर तुमने एक इंसान का खून कर दिया। रुखसार, तुम्हें समझ आ रहा है? एक बार अल्लाह का खौफ नहीं सताया तुम्हें? हाँ, दिल नहीं कांपा तुम्हारा ये सब करते हुए? तुम जानती भी हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है, जानती हो तुम रुखसार? अल्लाह तुम्हें आखिरत में जहन्नम में नहीं देगा। क्या कर दिया इस लड़के? लेकिन हम क्या करते हैं? उस जारा ने हमसे हमारा कबीर छीन लिया था और इसीलिए हमने अबू का साथ दिया। आप हमें मारना चाहती है ना? हमारी है बच्चों, लेकिन हमारे साथ रहिए। हमारा साथ मत छोड़िए बच्चों, हमारा साथ मत छोड़िए। हम जेल जाकर फांसी पर लटक कर नहीं मरना चाहते। अरे अबू को जो करना था अबू ने तो कर लिया ना, पर तुम्हें क्या जरूरत थी रुखसार? क्या जरूरत थी उस मसले में घुसने की? मैं अबू को बहुत अच्छे से जानती हूँ रुखसार, फिर भी तुमने उनका साथ दिया। हमें नहीं समझ आ रहा कि अब हम ऐसा क्या करें कि हम तुम्हें बचाने, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कबीर ने अबू को ना मारा और उन्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला ले लिया बच्चों, तो अबू हमें भैंस में घसीट लेंगे। अबू खुद तो वो अपनी ताकत का दम लगा कर बच्चों बच जाएंगे, लेकिन हम फंस जाएंगे। और इससे पहले कि कानून हमें कोई सजा दे, अगर ये बात कबीर को पता चली बच्चों, तो कबीर तो हमें जान से मार देगा। बच्चों हमें बचा लीजिए, बच्चों हमें अकेला मत छोड़िए। कुछ भी नहीं खाया है, तुम कुरान पढ़ रहे हो, नमाज भी पढ़ रहे हो, वैसे खाना भी खा लो, खाने से क्या नाराजगी? भूख नहीं हमें। कबीर, हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक तुम हमारे सामने बैठ के खाना नहीं खाओगे। कबीर, जैसे तुम इस्तिखारा करके खुदा की मर्जी जानना चाहते हो ना, वैसे ही हम भी ये अमल करके खुदा से जानना चाहते हैं कि हम अब इस घर में रहें या नहीं। हमारे अब्बू की नजरों में तो हम एक दुश्मन की तरह होंगे। और रुखसार, रुखसार क्या? रुखसार ने हमें सबक सिखाने की धमकी दी है, लेकिन हम खुद के लिए परेशान नहीं है कबीर, हमें बच्चों की फिक्र हो रही है। ये सब माहौल देखकर हमारा जी घबरा रहा है, इसलिए हम अल्लाह से पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ रहें या बच्चों को लेके यहाँ से चले जाएं। बच्चे किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर और तुम घर छोड़ के क्यों जाओ? गुनाह किया कोई तुमने? गुनहगार हो? अगर हो तो जा सकती। अजीब तो हमें यह लग रहा है कि तुमने इतनी आसानी से मान लिया कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी। हमें लगा था तुम बहादुर हो। गलत थे हम। सारा जो आप
कबीर प्लीज। देखते हैं अल्लाह ताला हमें जारा के कातिल के साथ क्या सलूक करने का इशारा देता है।